गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 19th ऑफ दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और एज यूजुअल 10 टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो द हिंदू पीआईबी से कवर किए जाएंगे। चलिए 10 टॉपिक्स कौन से हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा, मोनोकल्चर। नाउ न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ था, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंसर्निंग पृथ्वी सेकंड के बारे में डिस्कशन होगा। देन एक आर्टिकल राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर भी दिया था, इसके बारे में देखेंगे। टेंपल टर्टल्स को डिस्कशन करते हुए हम दिल्ली दरबार पे जाएंगे। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, पॉलिटी का ये इशू है लेकिन करंट अफेयर्स में मेंशन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वादा के बारे में देखेंगे, वो क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। रेल लिंक को डिस्कस करते हुए हम एक मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वैसे मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को लेकर कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, @prince_ जरूर लगा लीजिएगा लूथरा के ऊपर। चलिए, नेटमुक यूपीएससी का एक सेकंड चैनल जो है उसे स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, जैसे आपको इस चैनल के ऊपर पूरा करंट अफेयर्स जो है वो मिलता है, करंट अफेयर्स के कंसर्निंग रिवीजन लेक्चर जो होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो डाले जाते हैं, तो यहां पर आपको जो स्टैटिक का पूरा पोर्शन है वो मिल जाएगा। जैसे अभी हमने रिसेंटली एनसीईआरटी का हिस्ट्री का एक लेक्चर जो है वो डाला है, तो चाहे वो स्टैटिक के एमसीक्यूज हो, स्टैटिक के क्लास लेक्चर्स हो, वो सभी आपको यहां पे मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी और एनसीईआरटी हिस्ट्री, यहां पे दो डिफरेंट लेक्चर्स जो है वो डाले गए हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं नेटमॉक यूपीएससी चैनल के ऊपर, तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम में आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज जो है उसे करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपके करेक्ट होते हैं तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, तो एनएचपी के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका टॉपिक जो होगा उसको करें अंडरलाइन, और जो चीज रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर पूछी गई उसे आप सर्कल में डालें। इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हो सकती है। इट्स अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो ये जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है ये किसका प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया हुआ है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अंडर द एनएचपी अ नेशन वाइड रेपोजिटरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेटा, दैट इज नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक सेंटर NWIC हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो यहाँ पे एक डेटाबेस सेंटर जो है उसको भी एस्टैब्लिश किया गया है। सोचिए नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में, रिसेंटली न्यूज में था, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है उन्होंने अभी एनएचपी के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है इसको असेस किया था, इसको मेजर किया था। देखिए, मिनिस्ट्री का काम सिर्फ किसी स्कीम को, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना नहीं है, टाइम टू टाइम ये देखना भी है कि कितनी प्रोग्रेस उसके ऊपर हुई है, और यही चीज यहां पर करी गई थी। तो यस, इट्स अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव जो कि मिनिस्टर जल शक्ति के द्वारा इनिशिएट किया गया है, और इसके अंदर एक NWIC नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो है उसको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, एक रिपोजिटरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेटा जो है वो भी यहां पर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहां पर मैंने आपको बताया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली या सेंट्रली सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, तो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, पूरा का पूरा सेक्टर किसका है, सेंटर का है, मैंने बताया था आपको। इट मींस पूरा का पूरा पैसा किसका लग रहा है, 100% ग्रांट जो है वो दिया गया इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को बाय द सेंटर। तो यहां पे इट इज नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था, तो 2016 याद रखिएगा, और इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 100% फंडिंग जो है किसके द्वारा की जा रही है, सेंटर के द्वारा की जा रही है, स्टेट्स का यहां पर रोल नहीं है। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता तो स्टेट का भी कुछ ना कुछ शेयर होता, चाहे वो 60:40 होता, 50:50 होता, या फिर 90:10 होता। ध्यान रखिएगा, ये तीन तरीके के वेरिएशन रहते हैं इसके अंदर, कई बार 75:25 भी रहता है। चलिए, तो आंसर इज डी, एनएचपी को लेकर डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मोनोकल्चर को लेकर, पूछा गया मोनोकल्चर को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप एंड प्लांट ओनली, तो एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक क्रॉप को उगाया जाता है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू पेस्ट एंड डिसीज अटैक, एक ही क्रॉप को जब बार बार उगाया जाता है तो उससे क्या होता है, जो पेस्ट अटैक है या पेस्ट के विजावी जो वल्नरेबिलिटी होती है प्लांट की वो बढ़ जाती है और डिसीज अटैक जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो यस, अगर हम इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, इज इट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसके अंदर सिंगल क्रॉप और प्लांट को उगाया जाता है, तो यहां पर देखिए एक बारी में एक क्रॉप को या एक प्लांट को या लाइफ स्टॉक स्पीसीज को रखा जाता है, तो यहां पे मल्टीपल चीजें नहीं होती, सो इट हैज टू बी सिंगल क्रॉप या फिर प्लांट, एंड यहां पर नहीं आएगा, एंड की वजह से
ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड की बात करें, देखिए जब ईयर आफ्टर ईयर आप एक जैसी क्रॉप उगाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की और मिट्टी की वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम जो पेस्ट होते हैं उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि इस क्रॉप को कैसे इन्वेड करना है। वल्नरेबिलिटी जो होती है पेस्ट अटैक से वो भी इंक्रीज हो जाती है उस पर्टिकुलर क्रॉप की, साथ में डिसीज अटैक जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तभी कोशिश करी जाती है कि जो आपको क्रॉप उगानी है वो टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना चाहिए, वेरिएशन उसके अंदर करते रहना चाहिए, या फिर मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न भी यूज किए जाते हैं और ईयर आफ्टर ईयर जो पैटर्न हैं उसको चेंज भी किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहां पर मल्टी क्रॉप मोनोकल्चर इन सब चीजों के बारे में बात करी हुई थी, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्शन से ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पृथ्वी सेकंड। पृथ्वी सेकंड के बारे में, बेसिकली पृथ्वी के बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, हो सकती है। पृथ्वी इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सर्फेस टू सर्फेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल, तो ये इंडिया की पहली इंडिजिनस सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है और इसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी रिसेंटली हुआ क्या, उड़ीसा ईस्टर्न कोस्ट बालासोर के अंदर पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया और इसी वजह से पृथ्वी सेकंड के बारे में मेंशन किया हुआ था। तो यस, इट इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। और अगर पृथ्वी की बात करें तो यस, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल। एक तो सर्फेस टू एयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, एयर टू सर्फेस नहीं है, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है और इंडिया की पहली इंडिजिनस मिसाइल है पृथ्वी क्लास। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। डेवलप किसने किया, इसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलपमेंट हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है और 1 टन वॉरहेड जो है ये कैरी कर सकती है अपने साथ, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज एनश्राइंड इन। तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दिया गया है, आप इन्फर कर सकते हैं इसको बेसिकली कि आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 20, सोचिए। चलिए, तो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो दिया गया है सी, आर्टिकल सी के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर। यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है एज लॉन्ग एज ये पीसफुल तरीके से किया जाता है तो फार्मर्स इस चीज को कर सकते हैं और अपने राइट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो भी इसी के ऊपर होगा, बिकॉज देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पे आपके जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के ऊपर कंजेशन बढ़ गया है, ठीक है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, हो सकता है जो सामान है एक सिटी से दूसरी सिटी तक लेके जाया जाता है वो चीज भी बंद हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइफ है जो अभी नॉर्मल तरीके से चल रही थी उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है। तो क्या यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट जो यहां बताया गया कि फार्मर्स कंटिन्यू कर सकते हैं आर्टिकल 19 के हिसाब से तो सही है, लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस भी कुछ हो सकती हैं, तो आपको दोनों साइड्स के जो पॉइंट्स है वो देने, और मैंने आपको दोनों साइड्स के कुछ कुछ हिंट जो है वो दे दिए, तो मेंस का जब आंसर लिखेगा इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रख के लिखिएगा। तो यहां पे आप जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेंपल टर्टल्स। टेंपल टर्टल्स को लेकर तीन स्टेटमेंट्स हैं और आपसे पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट टेंपल टर्टल्स को लेकर कौन सी सही है। द येलो हेडेड टेंपल टर्टल ओनली अकर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, तो ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। इट फीड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन एक्वाटिक वेजिटेशन सप्लीमेंटेड बाय फॉलन फ्रूट्स व्हेन अवेलेबल, तो खाते क्या है, उनकी डाइट के बारे में दिया हुआ है, एक्वाटिक वेजिटेशन और फ्रूट्स जो होते हैं वो खाते हैं। इट इज क्लासिफाइड एज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, तो IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर इनका जो स्टेटस है वो क्या है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली 22 हैचलिंग्स, अब हैचलिंग्स क्या होते हैं, जब जो आपके टर्टल है, जो कछुआ है, वो रिसेंटली हैच हुआ है, रिसेंटली ही वो अंडे से निकला है, तो उसे कहते हैं हैचलिंग्स, अभी नए नए निकले हैं। वो टेंपल रियर्ड ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल जो है उनको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर रिलीज किया गया, तो पॉसिबली इनकी जो पॉपुलेशन है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है, इसी वजह से 22 हैचलिंग्स को वहां पर छोड़ा गया अभी रिसेंटली। तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो येलो हेडेड टेंपल टर्टल्स जो है साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। और अगर IUCN स्टेटस पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इसका,
तो यू शुड नो दैट दे आर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. तो वहां पे वल्नरेबल दे सकते हैं, एंडेंजर दे सकते हैं, लीज कंसर्न देख सकते हैं. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा यूनिक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. और इनकी डाइट के बारे में जो चीज है, यस एक्वाटिक वेजिटेशन खाते हैं और जो गिरे हुए फ्रूट्स जो होते हैं उनको भी यहां पर अपनी डाइट में शामिल करते हैं. आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर. और कुछ इस तरीके से येलो हेडेड टर्टल दिखाई देते हैं. अगर कंट्रीज के नाम बताऊं तो थाईलैंड में आपको मिल जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली, थाईलैंड में, कंबोडिया में मिल जाएंगे, साथ में मलेशिया में, लाओस में, तो इन कंट्रीज में आपको ये टर्टल जो है वो मिल जाएंगे. चलिए क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज की सीरीज के बारे में आपको 30-45 सेकंड्स में बता देता हूं. तो बेसिकली यहां पर आपको डे वाइज प्रिपरेशन करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो आप देख सकते हैं जैसे यहां पर सैंपल वीडियोस के बाद डे 1, डे 2, डे 3, सो ऑन अप टू डे 200 तक आपको यहां पे तैयारी करने को मिलती है. एवरी डे बेसिस पे आप अपने रिस्पेक्टिव डे पे जाते हैं, उसे ओपन करते हैं और उसके अंदर जो असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट में क्या क्या होगा, एनसीईआरटी के वीडियोज होंगे, क्लास वीडियोज होंगे, लक्ष्मीकांत के वीडियोज होंगे, वो सब आप सोल्व करेंगे. उसके बाद फिर आएंगे एमसीक्यू के वीडियोस, फिर आप एमसीक्यू के वीडियोस देखेंगे जिसमें एनसीईआरटी एमसीक्यूज वीडियोस होंगे, जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा होगा, लक्ष्मीकांत हो सकता है, स्पेक्ट्रम हो सकता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, उसके रिस्पेक्टिव एमसीक्यूज आप सोल्व करेंगे. देन आप करेंगे फाइनली रात के टाइम में जब आप इसे रिवाइज करने वाले होंगे सोने से पहले, क्विजेस को सोल्व करेंगे ताकि वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी है वो आप रिवाइज कर पाए एक शॉर्ट टाइम के अंदर. और जब भी बीच में आपको टाइम लगता है, राइटिंग प्रैक्टिस का भी इसमें एक प्रोविजन डाला गया जो कि आंसर आपके मैं ही चेक करने वाला हूं. तो ये जो लास्ट है मेंस आंसर राइटिंग का, आपका लास्ट असाइनमेंट जो होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए होता है, वो आपको सोल्व करना है. उसका आंसर आपको लिखकर सबमिट जरूर करना है एवरी डे बेसिस पे. और 200 दिन तक लगातार लिखेंगे तो डेफिनेटली जो इंप्रूवमेंट है राइटिंग के अंदर वो आपकी आपके कंपेटिटर के अगेंस्ट में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी. तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास क्विजेज हैं, लेक्चर्स हैं, एमसीक्यूज लेक्चर्स हैं, मेंस के लिए आपके पास क्लास लेक्चर्स हैं और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है जो कि आपको आपके कंपेटिटर के कंपैरिजन में एक एज जो होगा वो मिलेगा ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए और सिर्फ क्रैक ही नहीं अच्छे मार्क्स से एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर पाए. चलिए तो यहां पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा कथन यहां पर सही है. देखिए वैसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ था इसको लेकर, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने एक लेटेस्ट प्रपोजल दिया है फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा. और यहां पे जो एक्सपर्ट पैनल है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का और फॉरेस्ट का, उन्होंने जो प्रपोज्ड नया पीएम के जो ऑफिस था उसे ड्रॉप कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट में से. और जो कॉस्ट है उसको भी इसके अंदर रिवाइज किया गया, अराउंड 11,500 करोड़ से कॉस्ट इंक्रीज होकर 13,500 करोड़ हो गई है. और पीएम ऑफिस का जो यहां पे प्रोविजन रखा गया था प्रपोज न्यू पीएम ऑफिस, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया. अब क्योंकि इसके बारे में बात हो रही थी, सेंट्रल विस्टा के बारे में बात हो रही थी, इसी की वजह से बात हुई थी यूके के बारे में, क्योंकि वहां पर यूके ने जब पूरी सिटी का डेवलपमेंट किया था तो आपका प्रेसिडेंट हाउस भी बनाया गया था, साथ में इंडिया गेट भी बना था, इसके साथ साथ हमारी पार्लियामेंट जो थी उसका भी निर्माण किया गया था. अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. तो पहली स्टेप यहां पर कहती है क्वीन ऑफ यूके मेड एन अनाउंसमेंट इन दिल्ली दरबार टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता. तो क्वीन ऑफ यूके ने क्या किया था, उन्होंने अनाउंस किया था दिल्ली दरबार के अंदर कि जो कैपिटल है इंडिया की वो हम शिफ्ट करेंगे दिल्ली से कहां पे, कलकत्ता के अंदर. दिल्ली दरबार वॉज होस्टेड टू मार्क द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फाइव. तो किंग जॉर्ज फाइव जो थे उनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, मतलब उनको क्राउन दिया जा रहा था, क्राउन उनके सर पे रखा जा रहा था और उनको सीट और गद्दी दी जा रही थी. दिल्ली दरबार जो था इसीलिए ही इसी पूरे के पूरे इवेंट के लिए होस्ट किया गया था. द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू सिटी वॉज गिवन टू एडविन लेटियंस या लेटन्स. तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी. तो जो लेटन्स थे उनको ये काम दिया गया था पूरी सिटी को बनाने के लिए. सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं. चलिए देखिए यहां पे जो ये अनाउंसमेंट करी गई थी किंग जॉर्ज द फिफ्थ, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो दिल्ली दरबार है उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोरोनेशन सेरेमनी के लिए और एक ग्रैंड असेंबली यहां पर करी जाएगी और जो कैपिटल है इंडिया की वो शिफ्ट करी जाएगी कहां से, कलकत्ता से दिल्ली के अंदर. ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, इसी वजह से आप बी और डी को तो कर दीजिए एलिमिनेट. इट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट होगी, मतलब सिटी को कंस्ट्रक्ट करने का काम जो था वो एडविन लेटेंस को दिया गया था या लुटियंस कुछ लोग कहते हैं. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाती है. अब सेकंड पे आते हैं, क्या यहां पे कोरोनेशन सेरेमनी हो रही थी इसी वजह से दिल्ली दरबार को होस्ट किया गया था, तो यस सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है. आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए और करंटली न्यूज क्या है, सेंट्रल विस्टा को लेकर न्यूज है, जो कॉस्ट है उसका भी उसमें भी काफी चेंजेस हो रहे हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है खासतौर पर पार्लियामेंट और इसके आसपास की बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा के ऊपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सबसे पहले तो इनकरेक्ट को आप सर्कल में डालें। पूछा गया नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर कौन सा कथन यहां पर गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट कैन बी मूव्ड इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसको मूव किया जा सकता है, हो सकता है। द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस। कोई भी मेंबर जो है हाउस का वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकता है, ला सकता है, ये भी हो सकता है। रूल 198 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर मूविंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो रूल नंबर 198 जो है उसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो बताया गया इसको लेकर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम करेंगे इसको डिस्कस। चलिए, कर्नाटका में इश्यू चल रहा है अभी रिसेंटली, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगेंस्ट में वहां पर लाया गया है और इस वजह से पूरी कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहां पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें हम एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, तो क्या ये लोकसभा राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर मूव किया जा सकता है? नहीं। तो इट कैन ओनली बी ब्रॉट इन टू लोकसभा, इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं लाया जा सकता। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस। यस, हाउस का कोई भी मेंबर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और रूल 198 जो है इसके प्रोसीजर के बारे में बताता है, ये भी ठीक हो जाता है। तो आंसर क्या डी हो जाएगा? नहीं, आंसर डी नहीं होगा, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर विल बी ए, ध्यान रखिएगा। चाहे तो कर्नाटका का जो केस है उसको भी पढ़ सकते हैं जहां पर चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगेंस्ट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है और पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। बट यहां पे मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बता दिया कि जो आपके एग्जाम से पर्टेन करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वादा के बारे में है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और पूछा कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी कंपोज्ड एंड फंडेड इक्वली बाय द स्पोर्ट मूवमेंट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है और फंड कौन करता है, जो आपके स्पोर्ट्स मूवमेंट होते हैं और साथ में गवर्नमेंट इसको फंड करती है। इट्स फाउंडेशन वॉज इनिशिएटेड बाय द IOC टू प्रमोट कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के अंदर ड्रग्स ना आए इसी की वजह से इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और इसे इनिशिएट किया गया था IOC के द्वारा। IOC क्या, ये भी सोचिएगा, बताऊंगा बाद में। हेडक्वार्टर जो है इसका एथेंस ग्रीस के अंदर है। सोचिए आपको यहां पे क्या बताना है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया ने $1 million जो है वो प्लेज करे हैं वादा के लिए, और यहां पे इस पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए ताकि जो डोपिंग है उसको रोका जा सके। और डोपिंग का जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है, जो डिटेक्शन मेथड है कि किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन ने क्या ड्रग्स का सेवन किया है या नहीं किया, इस चीज को डिटेक्ट किया जा सके, इसके लिए एडवांस मेथडोलॉजीज जो होगी और मेथड जो होंगे वो डेवलप किए जाएंगे। तो यस, इट इज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसकी फंडिंग कौन करता है, स्पोर्ट मूवमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा इसकी फंडिंग करी जाती है। इसे बनाया किसने था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने इसकी फाउंडेशन रखी थी, और यहां पे जो पर्पस था ड्रग्स के अगेंस्ट में लड़ना वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो IOC के बारे में भी मैंने बता दिया जो फाउंडेशन रखी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेलिंग बिटवीन चिल्हाती एंड हल्दीबारी हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो यहां पे किसके साथ हमने ये पर्टिकुलर रेल लिंक जो है वो स्टार्ट किया, और मैंने आपको बताया कि इस तरीके की चीजें आती हैं, तो मेंस के जो आपके नोट्स है वहां पर भी नोट डाउन कर लिया करिए। तो क्या ये भूटान के साथ स्टार्ट किया गया है, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, या नेपाल के साथ? चलिए, तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, बेसिकली इनॉग्रेशन किया था समिट लेवल टॉक्स का वर्चुअली ऑन थर्सडे, और वहां पर इसके बारे में भी जिक्र किया। बांग्लादेश जो है वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आता है, और ये जो पर्टिकुलर रेल लिंक है ये उन्हीं के साथ ही, मतलब बांग्लादेश के साथ ही स्टार्ट किया गया। तो जहां पे भी आपकी इंडो बांग्लादेश रिलेशन है, इंडो बांग्लादेश रिलेशन की जो नोट्स है वहां पे आप इस लिंक के बारे में, रेल लिंक के बारे में जरूर नोट बना के रख लीजिएगा, ताकि जब एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज तो आप इस चीज का जो जिक्र है वो अपने आंसर के अंदर जरूर कर सके। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज। मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वो नेटिव है। द मोनार्क बटरफ्लाई इज नोन बाय साइंटिस्ट एज डेनिस
प्लेक्सिपस विच इज ग्रीक जिसका मतलब होता है स्लीपी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हो सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट अपने यहां पे अकेली भी आ सकती है एग्जाम के अंदर कि इसका मतलब क्या होता है। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, तो इसका जो स्टेटस है IUCN के हिसाब से वो एंडेंजर्ड बताया गया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो है उनको फेडरल प्रोटेक्शन जो है वो देनी चाहिए, वो डिजर्व करती है फेडरल प्रोटेक्शन अंडर द एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, क्योंकि एक यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा मेंशन करी गई है और न्यूज़पेपर में इसी वजह से मेंशन करी गई थी, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर दे लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, नहीं, एज एंडेंजर्ड लिस्ट नहीं करते हैं वो IUCN रेड लिस्ट के अंदर, दे आर नॉट इवन इवेल्युएटेड, उनको इवेल्युएट ही नहीं किया कि वो एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है या फिर क्या है, तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज में उनका इवेल्युएशन नहीं हुआ है, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या वो नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के? देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव होते तो यहां पे जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो इसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करते। मोनार्क बटरफ्लाइज आर नेटिव टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, लेकिन अदर वार्म प्लेसेस के अंदर भी जो आपको वर्ल्ड में मिलते हैं वहां पर भी उसने अपने आप को स्प्रेड किया है, मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने आप को स्प्रेड किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, अगर हम इसकी ग्रीक वर्ड की लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है स्लीपी ट्रांसफॉर्मेशन, इट मींस ओनली द सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट है, आंसर आपका हो जाएगा सी, कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं। चलिए तो 10 क्वेश्चन हमारे यहां कंप्लीट होते हैं, अब हम करेंगे 2 मिनट के अंदर रिवीजन जिसमें मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे, और लाइव नहीं देख रहे तो बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे, लेकिन अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश जरूर करिएगा। फिर मैं आपसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन पूछूंगा और मेंस का असाइनमेंट आपको दूंगा, और जो विनर है जिन्होंने लास्ट टाइम करेक्ट आंसर दिया था उनका नाम डिक्लेयर करूंगा। चलिए जल्दी से बताएं, एनएचपी के बारे में देखा था, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करें, इज इट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें 100% ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आती है, और वर्ल्ड बैंक भी यहां पर इसको सपोर्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा एनएचपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोनोकल्चर को लेकर था, क्या था मोनोकल्चर जल्दी से बताएं? मल्टीपल क्रॉप होती है, सिंगल क्रॉप होती है? यस, इसमें सिंगल क्रॉप होती है, लेकिन जिसके नुकसान भी होते जो मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था पृथ्वी सेकंड के बारे में, तो अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया है, और पृथ्वी की रेंज बताई कितनी थी? यस, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 250 किलोमीटर मैंने बताई थी, और यहां पे कितना ये पेलोड कैरी कर सकती है ये बताएं मुझे जल्दी से, डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है, पेलोड कितना था जल्दी से बताएं? यस, 1 टन के आसपास का पेलोड जो है वो कैरी किया जाता है पृथ्वी सेकंड के द्वारा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में, किसके अंदर आता है बताएं? आर्टिकल 14, 15, 19, 20, आर्टिकल 19 के अंदर था राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किया जा सकता है आर्टिकल 19 के अंदर, और मेंस क्वेश्चन इसी के ऊपर दूंगा अभी। देन हमारा डिस्कशन हुआ था टेंपल टर्टल के बारे में, टेंपल टर्टल कहां पे पाए जाते हैं जल्दी से, उस रीजन का नाम बताएं मुझे। यस, और कंट्रीज के नाम बताएं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हमने देखी थी यहां पर। अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो क्या है IUCN स्टेटस इनका? दे आर द एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, थोड़ा सा यूनिक है तो पता होना चाहिए आपको, फ्रूट्स और वेजिटेशन जो है वो ये खाते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, और कंट्रीज के नाम आपके सामने यहां पर थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और लाओस है। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था यहां पे पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल का नाम बताएं जिन्होंने न्यू सिटी को कंस्ट्रक्ट किया था दिल्ली को, तो मैंने आपको लेटेंस का नाम बताया था यहां पे, और दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5 का कॉरोनेशन होना था, और जो कैपिटल शिफ्ट करी गई थी वो कहां से करी गई थी? कैलकटा से दिल्ली के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आंसर करना है, मुझे बताएं नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है, कौन ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और बताएं लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में, या दोनों में, या सिर्फ किसी एक में? Yes, तो यहां पे लोकसभा ओनली, और कोई भी इसको लेके आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपसे पूछूंगा वादा के बारे में, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो यहां पे काम क्या करती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? यस, और फाउंड किसने किया था, फाउंडेशन किसने रखी थी? IOC ने, और ये भी $1 million जो है वो यहां पे हेल्प के तौर पे दिया गया है इंडिया के द्वारा, ताकि नई स्ट्रेटेजी को डेवलप किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में रेल लिंक जो था उसका नाम बताया, अगर आपको याद है तो चिलाहाती एंड हल्दीबारी, और किस कंट्री के साथ ये हमने एस्टैब्लिश किया है? भूटान के साथ? नहीं, ये किया है हमने बांग्लादेश के साथ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि बताएं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि जो मोनार्क बटरफ्लाईज है कहां की नेटिव है, जल्दी से बताएं कहां की नेटिव है? यस, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की नेटिव है,
और ये बताएं कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्या ये एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्या है, इसका अभी इवेल्युएशन ही नहीं हुआ है। और इसका जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, जो ग्रीक फ्रेज हमने यूज करी थी इसके लिए, इसका जो नाम है एक्चुअल, उसका लिटरल मीनिंग क्या है जल्दी से बताएं। स्लीपी, स्लीपी से याद आ रहा होगा आपको, व्हाट इज स्लीपी, स्लीपी ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ी, और प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए जिसका आंसर आपको करना है। तो आप मुझे बताइएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपका क्वेश्चन हो गया, HDR पब्लिश कौन करता है। चाहे तो HDI के बारे में भी मुझे बता सकते हैं, और HDI में इंडिया की रैंकिंग क्या है ये भी चाहे तो मुझे बता सकते हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपको एक फैक्टर भी बताया था जो रिसेंटली ऐड किया गया HDI को कैलकुलेट करने के लिए, वो भी अगर आपको याद हो तो जरूर बताइएगा। अदरवाइज सिर्फ इसका आंसर करना चाहे, HDI पब्लिश कौन करता है, इवन दैट विल सफाइस। चलिए मेंस का क्वेश्चन, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनाया है, सिटीजंस हैव राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, बिल्कुल है, आर्टिकल 19 हमने पढ़ा था, अभी पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट मिला हुआ है हमें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। बट डू यू थिंक एन इनडेफिनेट पीसफुल प्रोटेस्ट विच में हैम्पर द लाइफ ऑफ कॉमन मैन कैन बी जस्टिफाइड बाय आर्टिकल 19, कॉमेंट, क्या आपको लगता है कि बेशक से आपका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है, आप वायलेंस नहीं कर रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, बट अगर प्रोटेस्ट इंडेफिनेट हो जाता है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इंडेफिनेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो रास्तों पर तो खड़े हुए हैं, आप रास्ते रोक के खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा रहा, तो सामने वाले का भी तो राइट है ना, राइट टू पैसेज तो उसको भी मिला हुआ है, तो क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिए, जो अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोस्पेक्टिव से आप इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं विनर को देखते हैं, तो यहां पे मंतेश राठौर, मंतेश 1987 ने करेक्ट आंसर दिया है, और यहां पे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट था, बिल्कुल ठीक है। IPPB के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वो भी लिख देते तो और भी अच्छा हो जाता। तो मंतेश आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। चलिए कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक और टेस्ट सीरीज का लिंक, सभी लिंक्स जो है वहां पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस पर्टिकुलर लेक्चर और आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी PDF आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।